मतलब मैंने पहले शोज किए हुए हैं, उसमें इतने एक्शंस तो मैंने नहीं किए हैं. मैं अकेली हूँ मेरे फैमिली से, एंड मैंने तेनाली के टाइम से हम सब साथ में काम करते आ रहे हैं, इतने वॉर्म हैं. और एक थी रानी एक था रावण, क्या था वो तो सोशल बेस था, वो तो नॉर्मल बेसिक. हाय माय नेम इज़ मनुल एंड आप मुझे देख रहे हैं देसी फीड पे. थैंक यू. मैं कहना चाहूँगी दैट आई फील वेरी ग्रेटफुल, क्योंकि हर किसी के ड्रीम इतने जल्दी ऐसे पूरे तो नहीं होते. एंड आई फील दिस इज़ माई ड्रीम रोल, बिकॉज आप देखेंगे इस कैरेक्टर में इतनी सारी चीज़ें खेलने के लिए. आप देखेंगे ये एडवेंचरस है, लविंग है, काफ़ी सुलझी हुई और शांत लड़की है. और मतलब आप देखेंगे तो इसमें मेरे को कूदना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, तो इसमें ढेर सारी चीज़ें जो बहुत फ़न होती है. तो मुझे लगता है कि ये बहुत फ़न कैरेक्टर है. बहुत सारा मतलब मैंने पहले शोज़ किए हुए हैं, उसमें इतने एक्शंस तो मैंने नहीं किए हैं, बट आई एम रियली एक्साइटेड कि मुझे इसमें करने मिलेंगे. ऐसे एक्शंस के लिए हमारी इतनी कोई प्रिपरेशन, हम टू बी ऑनेस्ट वैसा कर नहीं सकते, क्योंकि हर एक एक्शन जैसा डायरेक्टर को चाहिए वैसे अलग अलग होता है. सो आई एम लाइक, फिर भी मैं अपने इनपुट्स डालती हूँ कि अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा ऐसे सीख लेती हूँ, ऐसे सीख लेती हूँ, क्योंकि एक्शन के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए, उसे पहले से याद कर मतलब लर्न करने के लिए. तो अभी फ़िलहाल के लिए मेरे पास ऐसे कोई चीज़ें है नहीं, बट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं वो कर तो पाऊँगी अच्छे से, क्योंकि मैंने पहले भी थोड़े एक्शन सीक्वेंस किए हैं पहले के शोज़ में. बिल्कुल. सो आई डोंट रियली हैव एनी बैकग्राउंड एज सच जो फिल्म इंडस्ट्री से हो. मैं अकेली हूँ मेरे फैमिली से, एंड मैं आई वेंट थ्रू द होल ऑडिशन प्रोसेस. हमारे इतने सारे मॉक शूट हुए, हमारे साथ इतनी सारी लड़कियां थी कंपटीशन में, बट आई ऑलवेज एम्ड, आई मैनिफेस्टेड दिस रोल फॉर माई सेल्फ. आई जस्ट यू नो सॉ माई सेल्फ, ओके येस दैट आई कैन डू इट, आई विल गिव माई 100%, एंड विद गॉड्स ग्रेस आई एम हियर, एंड आई जस्ट होप दैट यू गिव मी लव. बहुत अच्छी, और मैं तो उनकी बहुत पहले से दोस्त हूँ, तो ऐसा मेरी और उनकी बॉन्डिंग पहले से ही बहुत अच्छी, हम मजाक वजाक करते रहते हैं, सो बॉन्डिंग तो काफ़ी अच्छी है. एंड एज अ को एक्टर ही इज़ वेरी ग्रेट को एक्टर, ही इज़ अ ग्रेट परफॉर्मर. उनके तो कितने एक्शन सीक्वेंस शूट भी होते हैं, तो मैं वो देखकर सीखने की कोशिश करती हूँ कि अच्छा मुझे भी ऐसे एक्शंस करने हैं फ्यूचर में, और मैं प्रिपेयर हूँ कि हाँ ठीक है मैं भी कर सकती हूँ. और सेट पे तो जैसे मैंने बताया, ये सारे लोग इतने प्यारे हैं, इतने हेल्पफुल है, और तेनाली के टाइम से हम सब साथ में काम करते आ रहे हैं, इतने वॉर्म हैं, यू नो दे वेलकम्ड मी रियली नाइसली, और मेरा इतना प्यारा से मतलब प्यार देते हैं मुझे अच्छा खासा, और अच्छे से ध्यान रखते हैं मेरा. और इस किरदार में और आपका क्या कुछ नया अंदाज देखने मिलेगा ऑडियंस को, जितने ये बहुत ज़्यादा अलग रहेगा एज दिस इज़ एक्शन बेस्ड, एडवेंचरस बेस्ड. तो फिर अभी तक मैंने बहुत सारे किरदार किए हैं, जिसमें मैंने राधा का रोल किया था इसके पहले, मैं ब्रिज के गोपाल में राधा बनी थी, तो वो काफ़ी डिफरेंट था, वो माइथो था, ये थोड़ा कॉस्ट्यूम ड्रामा है. तो वैसे काफ़ी सारी चेंजेस है, कैरेक्टर में भी बहुत सारी चेंजेस आपको दिखेंगी आगे, आप देखेंगे. तो आपके लिए मैं वो चीज़ थोड़ी एक्साइटिंग रखना चाहती हूँ, तो वो मैं आपको अभी रिवील नहीं करूँगी, वो आप देखेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि क्या क्या चेंजेस है. बट या दिस इज़ वेरी डिफरेंट देन वॉट आई हैव डन इन माई पास्ट. मैंने उसके पहले तेनाली भी किया था, तो वो भी थोड़ा माइथो बेस्ड था, और एक थी रानी एक था रावण किया था, वो तो सोशल बेस्ड था, वो तो नॉर्मल बेसिक फैमिली ड्रामा था. पर इसमें तो काफ़ी सारी चीज़ें आप देखेंगे, इसमें एक्शन है, एडवेंचरस है, मतलब बहुत सारे केमिस्ट्री लव सीन्स है, और आपको आगे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, अभी बता दूंगी तो अब क्या देखेंगे. मैं एंडिंग में कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप हमें प्यार दीजिए, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं सेट पे, आप देखेंगे हम एक एक टेक के लिए इतना ज़्यादा प्रिपेयर करते हैं, हम डायरेक्टर के साथ बैठकर, कि आप सब हमें उतना प्यार दे सके, आप हमें एक्सेप्ट कर सके एज मरियम. सो बस यही
कि मुझे तो बेसिकली बस एक्सेप्ट होना है आपसे और ढेर सारा प्यार चाहिए और शो को आगे बढ़ाते रहिए।